महोत्सव के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के संकल्प ने से ये जो कोंकण जाने के लिए जो पहली बार मुंबई में बस और इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि हर कोंकण के हर गांव में जाने के लिए, जैसे आपको राजापुर जाना है तो राजापुर, रत्नागिरी जाना है तो रत्नागिरी, आपको कणकवली जाना है तो कणकवली, ऐसी व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था शिवसेना के माध्यम से पहली बार हुई है इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे। आज हम यहाँ से करीबन 101 बस छोड़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद है। 3-4 हज़ार लोग हमारे साथ में कोंकण जाने के लिए तैयार है। साहब ने एक नारा दिया है कि चला शिवसेनेच्या सोबत कोकणाला जाऊया गणेशोत्सवासाठी। तर ये जो चीज़ है ये एक अच्छा, मतलब जो कोकण वासियों के लिए ये गणेशोत्सव बहुत बड़ा त्यौहार होता है, एक मतलब इससे बड़ा त्यौहार कोकण वासियों के लिए कोई त्यौहार ही नहीं है। तो ये त्यौहार हम उसमें त्यौहार में हमारी पार्टी और हम शिवसेना और कोकण वासियों का अटूट नाता रहा है बरसों से, तो वो नाते को पूरा वो दे रहे हैं साहब के हमारा तुम्हारा जो नाता है उस नाते को और किस तरीके से घट्ट किया जाए उसका यह एक छोटी सी भेंट है पक्ष की तरफ। चाह पानी की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, उन लोग को यहाँ से साहित्य, पूजा का साहित्य बांटा जा रहा है सिद्धेश दादा कदम उनके मार्फत, और भी अच्छी मतलब दवा पानी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था की है हमने उनके लिए। इससे पहले मैं आप सभी को, पूरे महाराष्ट्र के देशवासियों को, पूरे भारत देशवासियों को गणपति बप्पा के आगमन पर सभी को शुभेच्छा देता हूं। और आज आप सभी जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में कई सालों से गांव जाने के लिए बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। इस समय पर तो टिकट भी नहीं मिलते थे, हज़ार दो हज़ार रुपये देने के बाद में भी लोगों को जाने की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने आज यहाँ से तकरीबन 150 से 200 बस इस माघा थाने परिसर से यहाँ से निकल रहा है विभाग क्रमांक 1 और 2 की तरफ से। मैं हमारे यहाँ के स्थानीय आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जी, सिद्धेश भाई कदम और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर क्या क्या आप पर अभी आप देखेंगे कि लोगों को बस की व्यवस्था की है, साथ ही साथ सभी को चाय नाश्ता और वो सही सकुशल अपने घर पहुँचे और गाँव में जाके वो अच्छी तरीके से पप्पा स्थापना कर सके, इसके लिए हमने शिवसेना विभाग क्रमांक 1 और 2 की तरफ से यहाँ पर सारी व्यवस्था की है। हेलो, शिवसेना युवक प्रमुख, प्रत्येक बस मध्ये एक जण त्याची द्यायची आहे, कार्यकर्ता नक्की द्यायचे। कोकणवासियांना पूजा अर्चेसाठी सामान लागणार ते सगळं सब फॅमिलीचं सामान। आओ आओ।